मैं अपनी एग्जाम को लेकर परेशान हूँ। फ्रेंड्स, कई बार हमें अपने लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस बोलना पड़ता है जहाँ हम कहते हैं कोई इंसान किसी बात को लेकर परेशान है या फिकरमंद है। जैसे मैं अपने एग्जाम को लेकर परेशान हूँ या फिकरमंद हूँ। तो इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए आप कहेंगे आई एम एंग्जियस फॉर, यानी इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए एंग्जियस फॉर या एंग्जियस अबाउट का इस्तेमाल करके अपने सेंटेंसेस को बोलेंगे। कैसे बोलेंगे, आइए इस बात को एग्जाम्पल में बेहतर तरीके से समझें। मैं तुम्हारे लिए परेशान हूँ या चिंतित हूँ। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई एम एंग्जियस अबाउट यू, यानी मैं तुम्हारे लिए परेशान हूँ या चिंतित हूँ। अगर आपको कहना हो कि मैं अपनी जॉब को लेकर परेशान हूँ या चिंतित हूँ, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई एम एंग्जियस फॉर माई जॉब, यानी मैं अपनी जॉब को लेकर परेशान हूँ या फिकरमंद हूँ। वो अपने रिजल्ट को लेकर परेशान है या फिकरमंद है। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही इज एंग्जियस अबाउट हिज रिजल्ट, यानी वो अपने रिजल्ट को लेकर परेशान है। वो अपनी कमाई को लेकर परेशान है या फिकरमंद है। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही इज एंग्जियस फॉर हिज अर्निंग। अगर आपको कहना हो कि मैं इस बात को लेकर परेशान हूँ, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई एम एंग्जियस फॉर दिस थिंग, यानी इस बात को लेकर मैं परेशान हूँ, चिंतित हूँ या फिकरमंद हूँ। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आया कि जब आपको कहना हो कि कोई इंसान किसी बात को लेकर फिकरमंद है, परेशान है या चिंतित है, तो इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए आप एंग्जियस फॉर या एंग्जियस अबाउट का इस्तेमाल करके अपने सेंटेंसेस को बोलेंगे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह टॉपिक शानदार तरीके से समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, अगर वाकई आपको यह लेसन समझ में आया, तो क्या इस टॉपिक पर दो सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखेंगे? सिर्फ दो सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखें और मैं चेक करके बताऊंगा कि आपने सही सीखा या गलत। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे लेसन के साथ। तब तक के लिए बाय।